हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 26 जुलाई 2021। और आज हम बात करने वाले एक केमिकल कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, जो जिसके रिजल्ट आज ही के दिन अनाउंस हुए। तो चलिए दोस्तों, उस कंपनी के जो रिजल्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को, यानी कि BSE लिमिटेड और NSE लिमिटेड। और आज की डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 26 जुलाई 2021। मेनली जो नवीन फ्लोरिन कंपनी है वो बिलोंग करती है पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप से, यानी कि यहाँ पर जो आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाया है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, तो मेनली जो रिजल्ट्स है वो मीटिंग स्टार्ट हुई थी 11:55 पे और जो मीटिंग कंक्लूड हुई 1:45 पे, जो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाया है। अब दोस्तों, नवीन फ्लोरिन का जो है बिजनेस, उसके रेवेन्यू और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आइए मैं आपको उस तरफ लेकर के चलता हूँ। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, जो है क्वार्टर एंडेड June 30, 2021, जो ये हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हाईलाइट करके दिखाया है। ये सभी फिगर्स है वो रुपीज इन लेक्स है, यानी कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही समझ के चलना चाहिए। दोस्तों, मेनली बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो कंपनी को रेवेन्यू होती है जो कंपनी बिजनेस करती है, यानी कि उसके बारे में बात करते हैं तो वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कंपनी का जो मेनली जून क्वार्टर में 32,651.28 लाख रुपीज़ की जो टोटल इनकम हुई थी रेवेन्यू। दोस्तों, अगर बात करते हैं अदर इनकम के बारे में, तो 887.55 लाख रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है। और टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो वो है 33,538.83 लाख रुपीज़। अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में रेवेन्यू के बारे में, तो उसमें रेवेन्यू हुई थी 25,113.02 लाख, यानी कि सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो मार्च क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू दिखाई दे रही थी 35,972.59 लाख रुपीज़, यानी कि दोस्तों मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में जो है इस क्वार्टर में थोड़ी सी रेवेन्यू डिक्रीज हुई है। दोस्तों, ये सभी कंपनियों में ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि जो है कोरोना की सेकंड वेव की वजह से कंपनियों की जो थे थोड़ी सी जो है एक तरीके से वो रेवेन्यू और उसके जो है ग्रोथ और उसके जो है सेल्स फिगर में थोड़ी सी जो है इम्पैक्ट इस वजह से देखने को मिल रही है सभी कंपनियों में। ये तो थोड़ा सा एक जनरल आस्पेक्ट बन चुका है अभी, तो उसको दोस्तों आपको जो है कंसिडर करके चलना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं नवीन फ्लोरिन लिमिटेड के जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर के बारे में। तो चलिए मैं आपको जो है नवीन फ्लोरिन के प्रॉफिट के जो पैरामीटर है वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो उसमें जो है जून क्वार्टर एंडेड में जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई दे रही है वो है 5,628.33 लाख रुपीज़। और दोस्तों, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है 5,560.90 लाख रुपीज़। और दोस्तों, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर के बारे में, तो वहाँ पर दिखाई दे रही है 7,590.35 लाख रुपीज़, यानी कि दोस्तों अगर बात करते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जो है कंपनी की जो है रेवेन्यू और या बोलते इनकम वो जो एक तरीके से उछल दिखने को मिल रहा है या बढ़ रही है और ग्रो हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं जो है मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसमें जो एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। और यह गिरावट दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोरोना की सेकंड वेव की वजह से सभी कंपनियों में जो है एक तरीके की सेम पैटर्न देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड EPS के पैरामीटर के बारे में, तो मेनली जो बेसिक EPS दिखाई दे रहा है वो 11.29 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं डाइल्यूटेड EPS के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 11.28 रुपीज़। अगर दोस्तों बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो जो EPS बेसिक दिखाई दे रहा था 11.32 रुपीज़ और जो डाइल्यूटेड EPS दिखाई दे रहा था 11.31 रुपीज़। और दोस्तों, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो बेसिक EPS दिखाई दे रहा है 15.11 रुपीज़ और डाइल्यूटेड EPS दिखाई दे रहा है 15.09 रुपीज़, यानी कि दोस्तों मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी के जो EPS है उसमें भी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो EPS में बहुत ही ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं दिखाई दे रही है, कुछ माइनस सही जो है एक तरीके का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो ये जो थे नवीन फ्लोरिन के कुछ प्रॉफिटेबिलिटी, उसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, यानी कि जो कंसोलिडेटेड पे नवीन फ्लोरिन ऑलमोस्ट फेयर जैसा ही दिखाई दे रहा है।
सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नवीन फ्लोरिन लिमिटेड के अदर की एस्पेक्ट पे, जिसको जो है नवीन फ्लोरिन ने अपनी जो थी वो रिजल्ट्स की पीडीएफ कॉपी उसमें जो है दोनों एक्सचेंजेस को सबमिट किया था। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं नवीन फ्लोरिन लिमिटेड के रिजल्ट्स के कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट में जो मैंने हाईलाइट करके दिखा है वो एक पॉइंट थोड़ा सा कंसिडर करने जैसा है। उसमें लिखा गया है कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है वो इंक्लूड करते हैं कंपनी की थ्री फॉरेन सब्सिडरीज कंपनियां, यानी कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होते हैं वो मेनली जो होती है सब्सिडरी कंपनियां, उसके भी रिजल्ट्स को इंक्लूड या फिर मर्ज किया जाता है, तभी जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स बनते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं उस थ्री कंपनियों के बारे में, सो दोस्तों उसमें बात करते हैं तो मेनली है मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, NFIL UK लिमिटेड एंड नवीन फ्लोरिन शांघाई कंपनी लिमिटेड, स्टेप डाउन फॉरेन सब्सिडरी NFIL USA इनकॉर्पोरेशन 100% सब्सिडरी है NFIL UK लिमिटेड की, और दो इंडियन सब्सिडरीज कंपनियां सुलक्षण सिक्योरिटीज लिमिटेड और दूसरी है नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंसेस लिमिटेड, और दो जॉइंट वेंचर कंपनियां हैं उसमें स्वर्णिम गुजरात फ्लोर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और कॉन्वर्जेंस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि नवीन फ्लोरिन लिमिटेड का पूरा बिजनेस इन सभी कंपनियों के साथ डिपेंडेंट रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं उसमें फर्दर, तो जो है सिक्स्थ पॉइंट पे जो मैंने हाईलाइट करके दिखा है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। मैं दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक्सेप्शनल आइटम फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में इंक्लूड किया गया था गेन ऑफ ₹1551.14 लाख। वो जो था गेन वो था सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कन्वर्जेंस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर कंपनी है नवीन फ्लोरिन लिमिटेड की, यानी कि उस कंपनी के शेयर को सेल करके जो कंपनी ने जो एक्सेप्शनल आइटम का गेन कमाया था, जो कि वन टाइम होता है क्योंकि वो बार बार या फिर क्वार्टर और क्वार्टर या ईयरली बेसिस पे नहीं होता है, इसीलिए उसको जो एक तरीके से एक्सेप्शनल आइटम में इंक्लूड करना होता है। यानी कि जो है नवीन फ्लोरिन के आप जब रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं तो उस गेन को जो है आपको जो है एक तरीके से बात करके और इसको जो है एक तरीके से रिड्यूस करके आपको जो है उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहिए, और जैसे ही आप उसको जो है एक तरीके से रिड्यूस करेंगे तो नवीन फ्लोरिन में एक अच्छी खासी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको बढ़ोतरी दिखाई देंगी, क्योंकि जो मार्च क्वार्टर में 1551.14 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशन से नहीं था, क्योंकि वो जो है ऑपरेशन से नहीं हुआ था बल्कि सेल ऑफ शेयर से हुआ था। इसी तरीके से जो इस तरीके टाइप के आइटम को जो आपको एक्सक्लूड करना चाहिए कभी किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, तो जो है नवीन फ्लोरिन में आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा एक तरीके से उछाल देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ऐसे फैक्टर को कंसीडर करके आपको जो है पूरी तरीके से एक जो इसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको नवीन फ्लोरिन लिमिटेड के स्टॉक के जेनेस, तो दोस्तों आपको इस तरह के आइटम को कंसीडर करके फिर किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट को जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ NSE की वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, NSE पे जो हम नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में आज के दिन में कैसा कारोबार रहा है और स्टॉक में जो किस टाइप का मूवमेंट रहा उसका डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेट हो रखी है 26th of July 2021, और नवीन फ्लोरिन का शेयर जो है 3724.60 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था, और उसमें 215.50 रुपीज़ की गिरावट दिखाई दे रही थी, और परसेंटेज ऑफ वाइज जो डीलो गिरावट की बात करते हैं तो वो परसेंटेज ऑफ 5.47%, यानी कि ऑलमोस्ट 5.5% स्टॉक गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अगर बात करते हैं स्टॉक के क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो 11,22,759 स्टॉक क्वांटिटी ट्रेड हुई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 2,67,886 स्टॉक की जो डिलीवरी उठाई गई है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 23.86% की डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों, एक तरीके से जो है स्टॉक में एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों इससे हम स्टॉक में किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट का अंदाजा या फिर जो है किसी भी टाइप का जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं पा सकते, तो इसीलिए दोस्तों हमको जो है स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को भी एनालाइज करना चाहिए। स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को एनालाइज करने के लिए दोस्तों आपको जो है मेनली यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो मैंने हाईलाइट करके दिखा है गेट डेरिवेटिव कोट लिखा हुआ, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है नवीन फ्लोरिन लिमिटेड के फ्यूचर के स्टॉक के फ्यूचर पे चले जाएंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टॉक के फ्यूचर का जो डिस्कशन वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं नवीन फ्लोरिन के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस पे, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो 29th of July 2021 को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है,
और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं नवीन फ्लोरिन के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस के बारे में, तो फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 3,678 रुपीज पे क्लोज हुआ हुआ दोस्तों। और बात करते हैं स्टॉक में गिरावट के बारे में फ्यूचर में, तो वो 267.55 रुपीज़ यानी कि 6.78% गिरता हुआ स्टॉक का फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है दोस्तों। बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि नवीन फ्लोरिन के प्राइस की, तो वो कितना था आपको याद है नहीं होगा, चलिए मैं बताता हूँ। जो यहाँ पर अंडरलाइंग वैल्यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और हाईलाइट किया हुआ ब्लैक अक्षरों में वो दिखाई दे रहा है 3,724.60 रुपीज़, यानी कि जो है स्टॉक का फ्यूचर प्राइस जो है वो उसकी अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि स्टॉक के प्राइस से कम दिखाई दे रहा है, यानी कि जो इस तरीके का जो दिखाई दे रहा है यानी कि वो एक डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों। इससे हमको अंदाज़ा नहीं लग सकता कि स्टॉक में किस टाइप का मोमेंटम चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 2,35,800 कॉन्ट्रैक्ट, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 98,775 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 29.52% का जो है ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दिखाई दे रही है, यानी कि स्टॉक के फ्यूचर का प्राइस भी गिर रहा है उसके साथ ही साथ में जो है उसके जो है ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, यानी कि इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो एक स्टॉक है एक सेचुरेशन पॉइंट या फिर एक तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल पर आके रुक चुका है। लेकिन अब जो स्टॉक में या एक तरीके का जो एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर जो एक तरीके का चेंज देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दावा या फिर कोई भी एक तरह की ऐसे गारंटी नहीं दी जा सकती है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं फ्यूचर के ऑर्डर बुक के बारे में, तो मेनली यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी दिखाई दे रही है 15,300 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बात करते हैं सेलिंग क्वांटिटी के बारे में तो वो दिखाई दे रहा है 41,175 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सेलर जो है वो मार्केट में ज़्यादा दिखाई रहे हैं एज कम्पेयर टू दी बायर्स, यानी कि स्टॉक का फ्यूचर प्राइस डाउन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थे नवीन फ्लोरिन लिमिटेड के स्टॉक के कुछ रिजल्ट्स के एनालिसिस जिसको जो हमने आपके साथ शेयर किया और आपकी जो एक नॉलेज को एक तरीके से थोड़ा सा इन्हांस करने की कोशिश की दोस्तों। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में।